महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, सभी लोग परेशान हो चुके हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में आए हुए बाहरी राज्यों के मजदूर लोग और महाराष्ट्र के ही लोग जो कि पुनः औरंगाबाद, मुंबई, पुणे ऐसे शहरों में काम के लिए गए थे, पर इस महामारी की वजह से सभी फैक्ट्रीज और सभी प्रकार के काम बंद हो चुके हैं। उसी वजह से वे लोग अपने गांव, अपने राज्यों की ओर पलायन करने लगे हैं, क्योंकि वहां उनके पास खाने पीने की चीज़ें और पैसे भी नहीं हैं। इस वजह से वे अपने गांव की ओर बिल्कुल निकल चुके हैं। पर राज्य में हर ज़िले की सीमा बंद होने की वजह से सभी प्रकार के वाहन बंद हैं। इसमें वे लोग जो काम के लिए रुके हुए थे उन पर अब वह बंद हो चुका है, जो तनख्वाह भी आना बंद है। अब वे लोगों की खाने पीने की परेशानियां बढ़ गई हैं, तो वे वापस अपने गांव, अपने राज्यों की ओर पैदल ही निकल पड़े हैं। हर रोज लोग 100-100 मील पैदल चलकर जा रहे हैं। रास्ते में ना कोई खाने का ठिकाना है, ना सोने का। फिर भी मन में ठान रखा है कि ये कैसे भी हो घर जाना है। इस समय में रिसोद तहसील में आने वाले कुकसा दादाश्री पेट्रोल पंप के मालिक डॉक्टर प्रीतीश चौधरी, इन्होंने एक मिसाल कायम की है। अपने पंप पर उन्होंने खाने पीने, सोने नहाने और अपने पंप में चिकित्सा द्वारा मुफ्त में मेडिसिन और चेकअप करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे पेशे से डॉक्टर होने के नाते वे अपने पंप में इस चिकित्सालय द्वारा जो शहर से आ रहे हैं लोगों के हैं उनके चेकअप करा रहे हैं और खाने पीने की व्यवस्था भी करा रहे हैं। यहाँ मुफ्त में खाना भी दिया जा रहा है और रहने का भी इंतजाम किया जा रहा है। हमने वहाँ भोजन और आराम के लिए ठहरे लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि हम पुणे में काम के लिए छत्तीसगढ़ और रायपुर से गए थे, पर इस महामारी की वजह से सब बंद होने के कारण हम अपने राज्य, अपने गाँव पैदल ही निकल पड़े हैं। एनटीवी टाइम के लिए वाशिम से कैमरामैन प्रभाकर के साथ फिरोज शाह की रिपोर्ट। अभी हम फिलहाल मौजूद है दादाश्री पेट्रोल पंप कुकसा फाटा। यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ रुकी हुई है और इनके साथ ड्राइवर है, इनसे बातचीत हम करेंगे। आप यहाँ कितने दिनों से रुके हुए हैं और यहाँ पे क्या क्या इंतजाम है आपके लिए? यहाँ पे मुझे करीब 17 दिन हो गया है, 15-16 दिन 17 दिन हो चुका है। मैंने छत्तीसगढ़ से आया हूँ, छत्तीसगढ़ रायपुर से, और ये इंडियन ऑयल का जो पंप है इसमें हम लोगों को हर सुविधा मिल रही है। खाना भी दे रहे हैं अभी भी, और हम लोग कुछ बना भी रहे हैं। बाकी नहाने धोने हर चीज़ों की फैसिलिटी है, और इन्होंने आगे भी बोला है कि जब तक रहना है आप लोगों को तब तक रहो, हम हर सुविधा आपको देंगे और दे भी रहे हैं। तो हम लोग को दिल से जो है अभी तो यही बोलेंगे कि पंप वाले बहुत अच्छे आदमी हैं, और भगवान करे कि सब पंप वाला ऐसा ही हो। हम लोग पूरी हिंदुस्तान में घूमे, हर जगह घूमे, पर ऐसा पंप वाला कहीं नहीं देखा है। बहुत अच्छा आदमी है। आप कितने दिनों से यहाँ पे रुके हुए? यहाँ मुझे 17 दिन हो गया। 17 दिन हो गए जी। आप कब तक रुकना है आपको यहाँ पे? जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होगी तब तक हम इधर ही रुकेंगे। अच्छा। इसलिए कि ऐसा जगह हमें उम्मीद है कि दूसरा मिलेगा नहीं। अच्छा अच्छा। इतनी फैसिलिटी हमें मिलेगी नहीं और किसी होम में, किसी होटल में, और इनके छत्र छाया में हम लोग बहुत खुश भी है। मी डीलर, माझी आई डीलर आहे दादाश्री पेट्रोल पंपची। आमच्याकडे जे काही ट्रक ड्रायव्हर किंवा लॉकडाऊन झाल्यामुळे जे काही पैदल चालणारे पादचारी आहेत ते साधारणतः मागच्या 23 तारखेपासून जेव्हापासून लॉकडाऊन झालेलं आहे तेव्हापासून आतापर्यंत रोज 30-40 लोक आलटून पाठवून येत असतात। त्यांची आम्ही जेवणाची मोफत व्यवस्था केलेली आहे, राहण्याची व्यवस्था केलेली आहे मोफत। त्याच्यानंतर मी स्वतः डॉक्टर असल्यामुळे ते चालून चालून त्यांचे पाय थकलेले असतात, बऱ्याचदा ते हायपोटेन्शनमध्ये जातात, बऱ्याचदा त्यांना साखरेचा त्रास होतो। अशा सगळ्यांची व्यवस्था जी आहे ती आमच्या क्लिनिकमध्ये पण केलेली आहे। त्याच्यानंतर तिथं बाजूला राहायची व्यवस्था आहे मुक्कामाची, 5 टॉयलेट, 5 बाथरूम आंघोळीसाठी आम्ही पूर्ण क्लीन करून ठेवलेले आहेत। त्याच्यानंतर आमचे आचारी लोक वगैरे स्वयंपाक वगैरे बनवून त्यांना मोफत जेवण देतात। या सगळ्या फॅसिलिटी आम्ही सेवाभावी विचारातच करत असतो। साधारणतः आत्तापर्यंत 100,000 लोकांनी या सुविधेचा लाभ घेतलेला आहे। ही सुविधा फक्त आत्ताच चालू नाही आहे, तर हे आम्ही जेव्हापासून आम्ही पेट्रोल पंप चालू केला या व्यवसाय जेव्हापासून आलो तेव्हापासून जे काही ट्रक ड्रायव्हर असतात ते सुद्धा आमच्याकडे जेवण करतात। ही पण सुविधा आम्ही मोफत दिलेली आहे। हा एक पेट्रोल पंप नाही आहे, हा फक्त पेट्रोल पंप म्हणून आम्ही हे करत नाही आहे, तर एक रोड साईड असिस्टंट हब म्हणून आम्ही हे सगळं सुविधा पुरवतो आहे। रस्त्यावरून जाताना जे जे प्रॉब्लेम येतात ते सगळे प्रॉब्लेम तुमचे आमच्या या आउटलेटमध्ये सॉल्व करण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो। त्या अँगलने आम्ही याच्यामध्ये माननीय पेट्रोल मिनिस्टर प्रधान साहेब, तसेच त्यांचे सहकारी प्रकाश बेलवंडे साहेब, रामदास तडस साहेब, त्याच्यानंतर कंपनीचे रोडगे साहेब, मनीष बोबडे साहेब, आणि ज्या व्यक्तींनी मला आजपर्यंत पेट्रोल पंप टाकण्यासाठी मदत केली ते माननीय भरत चौधरी साहेब, हे सगळ्या लोकांनी मला यांच्या सगळ्या या सगळ्या लोकांच्या कार्य
कार्यामुळे मला या सगळ्या गोष्टींची करण्याची प्रेरणा भेटते आणि मी ही सगळी सेवा पुरवत असतो. त्याबद्दल मी या सेवेचं जे काही आहे सगळं श्रेय तर या जे काही नावं मी घेतले यांच्या प्रेरणेमुळेच मला हे कार्य करायला प्रेरणा मिळते. स्टार्ट. दादाश्री विश्व पेट्रोलियम मालकांनी आम्हाला असे आवाहन केलेले आहे की लॉकडाऊन झाले तेव्हापासून जे लोक जे पायदल लोक जातात त्यांची खाण्यापिण्याची व्यवस्था करणे आंघोळ त्यांना तेल साबण वगैरे सगळी व्यवस्था केलेली आहे आणि जोपर्यंत आणि हे जे ट्रक थांबलेले यांची पण खाण्याची व्यवस्था आम्ही केलेली आहे आणि जोपर्यंत हा लॉकडाऊन संपत नाही तोपर्यंत असंच आम्ही लोकांना अन्नदान चालू ठेवू.